नमस्कार। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव वो होने वाले हैं, मतदान कल हो जाएगा और शाम के बाद एग्जिट पोल्स भी आने लगेंगे और 24 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। अब निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, जनता के मन में क्या है ये बूझना बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल होता है और कई बार हम जिस तरह की बात करते हैं वो एकदम से समझ में नहीं आता है। चीज़ें अंदर क्या चल रही होती हैं ये समझना बहुत कठिन होता है, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद ये हर कोई जो राजनीति समझता है, देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है तो उसको मन में ये एक इच्छा रहती है कि एक अनुमान लगाया जाए और उसी के तहत मैं भी एक अनुमान लगाता हूँ और संयोग से ज़्यादातर विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में भी अनुमान लगभग मेरा ठीक रहा है और कुछ गड़बड़ भी कभी कभी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर अनुमान सटीक रहा है। और फिर वो 2017 का अभी का विधानसभा हो या वही उत्तर प्रदेश का, या फिर 2019 लोकसभा हो, 2015 का बिहार विधानसभा हो, गुजरात विधानसभा हो, इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में मुझे लगता था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है जो नहीं बनी, लेकिन ज़्यादातर अनुमान मेरे लगभग ठीक रहे हैं। 2012 में मैंने एक अनुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अर्धशतक नहीं बनने वाला है, ज़्यादातर अखबारों में वो छपा था तो उसमें मैंने लाइन भी लिखी थी कि सचिन तेंदुलकर को तो फिर से शतक बनाने का मौका मिल जाएगा लेकिन भाजपा को नहीं मिलने जा रहा है। तो और भाजपा 47 सीटों पर रह गई थी। तो अभी चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतने लगी है और उस तरह के अनुमान साफ दिख रहे हैं तो कई बार लगता है कि हवा भी वैसी है तो वो एक वजह हो सकती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में दो तीन चीज़ें बड़ी साफ होती हैं कि आधार में क्या दिख रहा है और उसमें सबसे जो बड़ी बात है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी नज़र से छूट जा रही है या कोई मुद्दा छूट जा रहा है। तो उन सब का मैंने हरियाणा का तो सभी विधानसभा का मैंने विश्लेषण किया, महाराष्ट्र नहीं कर पाया क्योंकि वैसे तो मेरी खुद की बड़ी दिलचस्पी थी, मुंबई में 4 साल रहा हूँ और महाराष्ट्र को भी थोड़ा बहुत समझता जानता हूँ, लेकिन हरियाणा मैंने चुना। हरियाणा को मैं सबसे कम जानता हूँ यही नोएडा में रहने के बावजूद, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि उस छोटे से राज्य को समझा जाए कि इतना छोटा राज्य है फिर भी इतने घराने हैं। और सब समझने के बाद अभी मेरा अपना जो अनुमान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात है कि मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई बहुत भ्रम की स्थिति है और कम से कम अब तो भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं रह गई है जो घटनाक्रम चले हैं, जो जिस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं और नरेंद्र मोदी की जो रैलियाँ थी, सभाएँ थी, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति वहाँ बेहतर हुई है। लेकिन कई बार होता है कि हमें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं जो अंदर अंदर चल रही हैं और ऐसी ही एक नहीं दिखने वाली चीज़ जिसको एक्स फैक्टर कहते हैं राजनीतिक भाषा में कहें तो ऐसा ही एक्स फैक्टर है जो हरियाणा में भी तैयार हुआ है और वो है एक्स फैक्टर बहुत तेज़ी से उभरा है और उस एक्स फैक्टर की वजह से बहुत सी राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं, कई सीटों पर बदली हैं हरियाणा की। कम से कम ऐसा 15 से 20 सीटों पर तो मैं बहुत साफ देख रहा हूँ कि वो स्थितियाँ बदली हैं और वो एक्स फैक्टर हैं जो लोकदल अलग हो गई, जो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अभय चौटाला और अजय चौटाला तो दोनों अलग हो गए, तो अब वो जो एक्स फैक्टर हैं वो दुष्यंत चौटाला यानी तीसरी पीढ़ी जो है जिन्होंने बनाई अपनी जननायक जनता पार्टी। तो वैसे तो जननायक जनता पार्टी के नेता के तौर पर दुष्यंत चौटाला पहले भी कोशिश करते रहे थे लेकिन बहुत सफल नहीं हुए और अभी इस विधानसभा चुनाव में अच्छी बात यह है कि वो कम से कम एक बात लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे हैं कि जो विरासत है उसको वही संभाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी तरह के तेवर हैं, उसी तरह की चीज़ें हैं और उसमें ये एक्स फैक्टर आया है और वो एक्स फैक्टर एक कहें कि जाट एकता जैसा भी है जो ये परिणाम में बड़ा फेरबदल कर सकती है। और लेकिन कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अच्छा रणनीतिक तौर पर अगर टिकट बंटवारे की भी बात करें तो वो तेज बहादुर जैसी उसको मैं प्रतीकात्मक मूर्खता ही कहता हूँ लेकिन उसको छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने बहुत रणनीतिक टिकट बांटा है, इस लिहाज से कांग्रेस बहुत पीछे छूटी है और अच्छे प्रत्याशी भी वो नहीं कर पाई है।
और इसीलिए क्योंकि जाट एकता एक तरफ है और दूसरा जो गैर जाट कहा जाता है, जिसकी वजह से खट्टर सरकार आई थी, हालांकि तब खट्टर नहीं थे लेकिन अब तो खट्टर भी हैं, और उस सब की वजह से क्या परिणाम बदल सकते हैं, किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। अब जो जाट एकता की कोशिश है उसमें सबसे कमाल की बात यह है कि उन नेताओं की कुर्सी खतरे में दिख रही है, खास करके जो खट्टर सरकार में बड़े ताकतवर नेता रहे, कैप्टन अभिमन्यु, धनखड़, रामविलास शर्मा, इन सब की सीटें बहुत फंसी हुई हैं, बहुत मुश्किल में हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का जो अपना एक है और अमित शाह ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया है, क्योंकि मिशन 65 से 75 उन्होंने ही करवाया था और वो लोकसभा चुनाव के जो मत प्रतिशत है उसके आधार पर कराया था। तो और दूसरी चीज़ है कि जाटों को बहुत ज़्यादा जो ये जाट गैर जाट है मुद्दा न बने, क्योंकि 25 से 28% जाटों की बात की जाती है और कहीं भी एकजुट होकर अगर वो दे गए वोट तो फिर परिणाम तो बदल जाएगा, क्योंकि इतना भी गैर जाट एकदम से तय करके वोट नहीं देते हैं। तो उस लामबंदी को सामने न दिखे इसकी कोशिश रणनीतिक तौर पर भाजपा ने की और खट्टर ने भी करीब 20 जाटों को टिकट दिया है हरियाणा में। तो ये एक कहें कि एक जो जाट गैर जाट की लड़ाई एकदम सामने न दिखे उसको डिफ्यूज करने की कोशिश है रणनीतिक तौर पर। और चूंकि जो विपक्षी एकता जो थी, तंवर उधर चले गए, तंवर ने जेजेपी को समर्थन दे दिया, कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, हुड्डा शैलजा कितना आगे ले जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला कई, तो मतलब इस तरह की चीजें थी। तो कहने के तो विपक्ष के नेता बहुत थे और लोकदल तो अपने जिस हाल में है वो आप लोग देख ही रहे हैं, सबको पता है, लेकिन विपक्षी नेतृत्व का एक वैक्यूम था, एक खालीपन था, और उस खालीपन को अगर किसी ने भरा है तो दुष्यंत चौटाला भरते हुए दिख रहे हैं। और कई लोगों से जो बातचीत के आधार पर, वहां की जो खबरें दिखी हैं उसके आधार पर ये मेरा अनुमान ये लग रहा है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा कि कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी, इनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, बहुत फर्क भले न रहे लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे स्थान पर जो पार्टी रहने वाली है हरियाणा के चुनाव में वो रहेगी जननायक जनता पार्टी, और कांग्रेस तीसरे स्थान पर जाने वाली है, लोकदल चौथे स्थान पर जाएगी। निर्दलीय पिछली बार 5 जीते थे, इस बार शायद ही 1-2 निर्दलीय जीत पाए, 1 या 2 निर्दलीय मुझे लगता है कि जीत पाएंगे। और जो स्थितियां हैं कि चूंकि गैर जाट गोलबंदी है और जाटों का भी भरोसा मोदी पर बना हुआ है, खास करके जो जो राष्ट्रवादी जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के, तो उसके मुद्दे हैं जो, तो उस पे भरोसा बना है। और इसीलिए जो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, उसको आप प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। मेरा जो अपना अनुमान है, जो मैंने कैलकुलेशन लगाया है, और मैं बार बार कहता हूं कि हम सब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो ये कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सफल हो, सही हो, या कितनी सही हो, कुछ गलत हो, कुछ सही हो, लेकिन आम तौर पर अगर आप ठीक से देख रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा कहें कि किसी पक्ष के दबाव या बायस में नहीं आ गए हैं, कई बार होता है जाने अनजाने आदमी आ जाता है, तो आपकी बातें सही निकलती हैं ज़्यादातर लोगों का ये अनुमान राजनीतिक विश्लेषण अगर ईमानदारी से करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 61 प्लस माइनस 9, आपको 9 सीटों का अंतर बहुत दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि ज्यादातर सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला है और कहीं कहीं तो पंचकोणीय है, वो छोटी छोटी एकाध पार्टियां और निर्दल भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि 61 प्लस माइनस 9, और जननायक जनता पार्टी 12 प्लस माइनस 4, और अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 10 प्लस माइनस 4, और लोकदल 4 प्लस माइनस 2। अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है और फिर एकाध दो निर्दलीय भी जीत सकते हैं, इनको हम अदर्स कह सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के मोटा मोटा सीटें इस तरह से ही बांटी हैं, उसमें माफ कीजिएगा, उसमें एकाध दो ऐसी सीटें होंगी जो उधर जाएंगी और मोटा मोटा यही समीकरण आएगा। और जाहिर है कि अगर 70 सीटें जीत गई भाजपा जो हायर एंड पे है, तो 10 सीटों के आसपास रहेगी जननायक जनता पार्टी और 6-7 सीटें ऐसे कांग्रेस, और उसी तरह से फिर 3-4 सीटों पर सिमट जाएगी लोकदल, और इसी में से कोई 1-2 निर्दल विधायक जीत सकते हैं, 70 में से हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और अगर लोअर एंड पे गए तो फिर वो अगर 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हैं तो फिर जो कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के बीच का मुकाबला है वो 1-2 सीटों का फर्क पड़ेगा, कोई
मतलब 15 की कोई एक दो इधर आ जाएगी, कोई दो इधर आ जाएगी जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस में से, और लोकदल को थोड़ा सा और 6-7 सीटें मिल जाएंगी, तो कुछ इस तरह की स्थितियां बनेगी। लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कि यही आंकड़ा होने जा रहा है, इसी पर हरियाणा विधानसभा के नतीजे आने जा रहे हैं। और कल चूंकि मतदान हो ही जाना है, शाम से एग्जिट पोल आएंगे तो वो आप लोग देखेंगे, और इसमें कोई मेरी कोई कहें कि वैज्ञानिक विधि या वो नहीं, लेकिन खबरों को पढ़ना, राजनीति को समझना, उसके विश्लेषण के आधार पर ये अपना अनुमान देना। महाराष्ट्र की जहां तक बात है तो मैं बहुत जिसको कहते हैं कि भरोसे से मानता हूं कि अगर शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया होता और अकेले चुनाव लड़ती तो शायद वो अकेले सरकार बनाने के नजदीक होती, यानी 145 सीटें शायद हासिल कर रही होती 288 की विधानसभा में, और हो सकता है कि कुछ 10-20 सीटें कम होती और वो शिवसेना बाद में दे देती। और अभी की जो स्थितियां हैं वो एनसीपी के जो नेता हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति के अभी सबसे बड़े नेता हैं शरद पवार, उन्होंने कमाल का जीवट दिखाया है और उनकी वो बारिश में भीगती हुई वाली तस्वीरें खूब चली हैं। लेकिन मुश्किल बात यह है, या कहें कि विपक्ष के लिए दुखद ये है और लोकतांत्रिक तौर पर भी दुखद है, कि बहुत ज़्यादा उस वाले जीवट को दूसरे लोग नहीं दिखा सके, और इसीलिए जो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन है वो कमजोर पिच पर खड़ा है। हालांकि शिवसेना और भाजपा के अंतर विरोध बहुत हैं, बहुत जगह शिवसेना के लोग बाकायदा दूसरे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, और एक अंदर खाने के भी चल रहा है ये महाराष्ट्र में बहुत तेज ये चल रहा है कि शिवसेना नहीं चाहती है, शिवसेना चाहती है कि कुछ ऐसा गणित हो जिसमें एक सीट ही सही उसकी ज्यादा आ जाए, सरकार बनने की नौबत आए और आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सके। लेकिन मुझे ऐसा दिखता नहीं, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के ऊपर जाती हुई मुझे दिख रही है, और वो 100 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। और निश्चित तौर पर जो भाजपा और शिवसेना की गठबंधन की सरकार है वो महाराष्ट्र में बनती हुई दिख रही है, और कांग्रेस लगातार जो बची खुची एनसीपी है उसको भी नीचे खींच रही है, ये मेरा अनुमान है। इसलिए वहाँ सबकी सीटों के अनुमान पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि बहुत डीप जिसको कहते हैं वो देख भी नहीं पाए, इसलिए एकदम से एक एक नहीं दूंगा। लेकिन मोटा मोटा यही अनुमान है कि भाजपा 100 सीटों के पार जाने वाली है, 100 से 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं वहाँ महाराष्ट्र के चुनाव में, सरकार भाजपा शिवसेना की बनने वाली है। तो ये मेरा अनुमान था, और जैसा राजनीतिक अनुमान है तो अनुमान ही है। और कल तो आप लोग सभी 6 बजे के बाद वो आने ही लगेंगे, सबके एग्जिट पोल आने लगेंगे तो लोग बताने लगेंगे, तो उससे भी आप देखिएगा, और फिर 24 तारीख को तो नतीजे ही आ जाएंगे। लेकिन सबके बाद ये है कि जनता लोकतंत्र में मतदान करे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, लोकतंत्र ताकतवर होता रहे, ये सबसे जरूरी है। सरकार तो किसी की भी आती जाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।